हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू यूट्यूब वीडियो। हमारी आज की वीडियो होने वाली है रेडिट की डार्क साइड्स के ऊपर कि आखिर रेडिट को अब हम लोग डार्क वेब से क्यों कंपेयर कर रहे हैं और क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि रेडिट भी बन चुका है टेलीग्राम की तरह डार्क वेब का अल्टरनेटिव। तो ये वीडियो भी हमारी एक सजेस्टेड वीडियो है। जिस तरह से मैंने अपनी एक टेलीग्राम की डार्क साइड्स के ऊपर करके वीडियो डाली थी, उसके नीचे एक भाई का कमेंट आया था कि भाई अब रेडिट की डार्क साइड के बारे में भी बता दीजिए। तो भाई, आज की वीडियो आपके लिए है। तो और आप लोगों का अगर कोई टॉपिक है जिस पे आप मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बता देना। अगर मुझे आपका टॉपिक सही लगा तो मैं उस पे आपको वीडियोस बना के ज़रूर दूंगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर रेडिट है क्या चीज़। तो मैं आपको बताऊँ, रेडिट भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिससे हम अपने दोस्तों से या फिर नए नए पर्सन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो रेडिट एक ऐसी जगह है जहां पर आप किसी भी तरह का क्वेश्चन डाल सकते हो, अनफिल्टर्ड क्वेश्चन जिसमें कोई भी फिल्टर ना लगा हो, वहां पे आप कुछ भी चीज़ पोस्ट कर सकते हो, जिसे हम सब रेडिट बोलते हैं। सपोज़ कीजिए, अगर आपको फ्री फायर गेम पसंद है तो आप वहां पे जाके अपना एक अलग से सब रेडिट बनाओगे फ्री फायर, तो वहां पर आपकी कम्युनिटी के जितने भी लोग होंगे उनके उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे वो वहां पर जाके पोस्ट करेंगे और उनके जितने आंसर्स होंगे वो भी वहां पर जाके पोस्ट करेंगे। मतलब किसी चीज़ के बारे में टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए हम रेडिट का यूज़, सब रेडिट्स और रेडिट का यूज़ करते हैं। बट वहां पर अच्छे काम ज़्यादा होते हैं। लेकिन हम अगर बात करें कि हमने उसे डार्क वेब का अल्टरनेटिव क्यों बोला, तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जो है वो है वहाँ के कुछ डार्क सब रेडिट्स, वहाँ की कुछ डार्क कम्युनिटीज़। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं कम्युनिटीज़ और सब रेडिट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो हमको वहाँ पर मिलेंगे डार्क वे में। अगर आप रेडिट की डार्क साइड्स में जाओगे तो वहाँ पर आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, ऐसी ऐसी क्रिपी स्टोरीज़ मिल जाएंगी विद एविडेंस के साथ में, जो आपके होश उड़ा देंगी और यहाँ तक कि आपका हर चीज़ से बिलीव भी उठा देंगी कि यार ऐसा भी कुछ हो सकता है इस दुनिया में। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ सब रेडिट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके होश उड़ाते हैं और शायद ही आपको सही से समझ में आ पाएँ। तो सबसे पहला हमारा जो डार्क सब रेडिट है वो है आईब्लिच। आईब्लिच एक ऐसा सब रेडिट है जो कि कई सारे सब रेडिट्स के बैन होने के बाद में आया था और ये अभी तक एग्जिस्ट करता है और ये बहुत ही फेमस, शायद सबसे फेमस जो सब रेडिट डार्क सब रेडिट है वो यही है आईब्लिच। यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी। सपोज़ कीजिए किसी बंदे का एक्सीडेंट हो गया, फिर वहाँ उसके अराउंड जो भी वीडियोस और फोटोज़ हैं वो आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा क्रिपी और अलग ही लगते हैं। और यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जैसे कि सपोज़ कीजिए आपका हाथ है और आपका हाथ काट दिया जाए और उसका फिर आप सपोज़ कीजिए कोई वीडियो बनाकर वहाँ पर पोस्ट किया जाए, इस तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पे की जाती हैं। वहाँ पर मैंने एक पोस्ट देखी थी जिसमें एक बंदे का हाथ होता है और उस हाथ पे ऐसे स्किन को कुछ इस तरह से नोचा जाता है, इस तरह से खींचा जाता है जैसे कि हम किसी मतलब रैपर को निकालते हैं किसी चीज़ के ऊपर से, पॉलीथिन को रिमूव करते हैं, उस तरह से उसकी स्किन को निकाला जा रहा था। इतना ब्लडी ब्लड हो रहा था चारों तरफ, जो बहुत ही ज़्यादा क्रिपी लगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वहां जाकर इन चीज़ों को ना ही देखें तो बेटर ही रहेगा, बट अगर आप डेयर लेना चाहते हो तो यू कैन ट्राई इट एंड इट्स ऑफ कोर्स फ्री। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड डार्क सबरेडिट के बारे में जिसका नाम है द ट्रुथ इज हेयर। द ट्रुथ इज हेयर एक ऐसा सबरेडिट है जिस पर आपको बहुत सारी मिस्ट्रीज मिलेंगी विद एविडेंस। यहाँ पर ऐसी ऐसी मिस्ट्रीज हैं जो शायद ही आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर गूगल पर भी अवेलेबल ना मिले, और वो इतनी ज़्यादा क्रिपी होती हैं और इतनी ज़्यादा मिस्टीरियस होती हैं कि उन पर कोई बिलीव भी नहीं करता कि ये सच में रियल हैं या फेक हैं। यहाँ पर आपको कई सारी गवर्नमेंट्स के डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे जो कि वो पर्सनल नहीं दिखा सकते, जो कि लीकेज डाटा होता है एक तरह से। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी जैसे किसी बंदे ने अपना एक पोस्ट डाला कि मैंने अपने घर के पास कुछ ऐसे फिगर्स देखे जो बिल्कुल भी इंसान नहीं लग रहे थे, ह्यूमन बींग्स नहीं लग रहे थे, जो एलियन थे। और उसी सब रेडिट के नीचे उन्होंने अपना एक एविडेंस भी पोस्ट कर रखा है। ऐसी ऐसी जगह हैं वहाँ पर जो आप नहीं मिलेंगी
और उन जगहों को लोगों ने एक्सप्लोर किया है और उनका एक्सपीरियंस वहाँ पर शेयर किया है। अब हमारा थर्ड नंबर पर जो डार्क सबरेडिट आता है वो है द ट्रू क्रीपी। ट्रू क्रीपी एक ऐसा सबरेडिट है जहाँ पर आपको क्रीपी क्रीपी आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और ना ही कभी सुना होगा। अनटोल्ड आर्टिकल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर ऐसे ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनमें लोग ये बताते हैं कि उन्होंने किस तरह से एलियंस को देखा और कहाँ पर एलियंस को देखा, और इस आर्टिकल के नीचे अपना एविडेंस भी देते हैं। और वहाँ पर कई सारे ऐसी आर्टिकल्स हैं जिनमें लोग बताते हैं कि उन्होंने रियल में घोस्ट देखे हैं, रियल में सोल्स देखी हैं, और उनके एविडेंस भी वहाँ पर वो दे रखे होते हैं फोटोज़ और वीडियोज़ में। तो अगर आप लोग इन सबरेडिट्स को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप अपने रिस्क पर ही जाके करना। बाकी ये वीडियो एक स्टडी पर्पस के लिए थी, इसका कोई गलत मीनिंग नहीं है। और हाँ, अगर आप लोगों में से कोई भी बंदा सरफेस वेब से पैसे कमाना चाहता है तो मुझे जाकर इंस्टाग्राम पे DM ज़रूर कर देना, 2 से 3 हज़ार रुपये प्रतिदिन के। और हाँ, मेरी एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने आपको डार्क वेब के बारे में नॉलेज दी है, डार्क वेब कैसे चलाते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो उसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसको भी जाके एक बार चेक ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब चलिए मिलेंगे अपनी नई वीडियो में।